Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट, सो आज हम आपसे मिलेंगे AITS फ्लैशबैक जो टेस्ट हुआ था 6/8/23 को, उस पेपर के डिस्कशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे AITS फ्लैशबैक जो कि 6/8 को कंडक्ट किया गया था. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे क्या पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स कैन नॉट वर्क एट रिड्यूसिंग एजेंट. तो क्वेश्चन नंबर 70 में जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट निकालेंगे 70 में, तो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है पूछा गया. ठीक है, तो ध्यान देंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है पूछा गया कि हमें ये बताना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. ठीक है, तो आप बताइए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होने के लिए सबसे पहले हम ऑप्शन में देखेंगे किस कौन सा एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो जाती है तो अपने चार्ज को और बढ़ा नहीं सकता, ऑक्सीडेशन नहीं होगा उसका. तो ऑप्शन से हम जाएंगे, अगर CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, CO2 एक ऑक्सीजन पर -2, कार्बन कितना है बाबू +4. अब +4 है तो कार्बन की +4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बाबू, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कार्बन +4 मैक्सिमम कितना बना सकता है +4. प्लस फोर से ये बढ़ा नहीं सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता ये. ठीक, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ये ट्रिक ध्यान रखना, अगर कोई चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ठीक है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल होगा. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा तो चीज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है 71 में जो बाबू बोला गया है, अगर हम 71 क्वेश्चन की बात करें तो 71 में क्या होता है, एक ऑप्शन है आपको 3 बोला गया, फिफ्थ पीरियड दिया गया है. तो ऑर्बिटल्स 5s 4f, ठीक है, जो f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में वो जनरली पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 6 पीरियड से, 6 और 7th पीरियड से बाबू, 6 और 7th पीरियड में, 6 और 7th पीरियड में जब आप देखेंगे तो 6th पीरियड में ब्लॉक नंबर क्या हो जाएगी, एक ब्लॉक जब पार्टिसिपेट किए तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर तो 3 हो जाएगा. दोनों के लिए दो सीरीज होती है, इसको हम बाबू क्या बोलते हैं 4f सीरीज और इसको हम क्या बोलते हैं 5f सीरीज. 4f सीरीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड, इसको क्या बोलते हैं एक्टेनोइड बोलते हैं. ये 6th पीरियड से चालू होता है और ये 7th पीरियड से चालू होता है. तो आपके ऑप्शन में क्या दिया गया और कहां से, ये लेंथेनाइट जो सीरीज होता है बाबू LN, वो कहां से चालू होता है, जो लेंथेनाइट सीरीज होती है हमारी आपको मालूम लेंथेनम के बाद 58 से, दैट इज सीरियम, सीरियम टू कहां तक बाबू लोटेशियम तक. और जो ये एक्टिनोइड सीरीज होता है, ये एक्टिनोइड सीरीज कहां से होता है, एक्टिनोइड सीरीज जो होता है वो थोरियम, थोरियम बाबू 90 एटॉमिक नंबर होता है, थोरियम से लॉरेंसियम तक 103 तक, और ये बाबू 58 से 71 तक ये सीरीज होती है. ठीक, तो हमारा 71 में इनकरेक्ट पूछा गया जो कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि फिफ्थ पीरियड में f ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते, कहां से आएंगे 6 और 7 से, 4f और 5f की सीरीज होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 72, देखिए 72 में आइसो कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पूछा गया है. तो 72 आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या देखेंगे बाबू, सिंपल आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा गया आपको. तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या हो जाते हैं बाबू, आइसो मतलब क्या सेम और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन हो गए तो चीज क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हो जाएगा बाबू आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो हम निकाल लेंगे K+ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाता है बताइए, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बाबू, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के. लेकिन जितना माइनस रहेगा उतना ही प्लस करना होगा और जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस. तो जैसे ये K+ है, एक प्लस है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया 19, पोटेशियम के 19 और -1 कर देंगे तो कितना हो गया बाबू 18,
एक प्लस है तो एक माइनस करना है, दो प्लस है तो दो माइनस करना है। उसी तरह से अगर आप निकालेंगे तो सीएल माइनस, देखिए बाबू सीएल माइनस में अगर हम देखेंगे, सीएल माइनस में मैं अगर आपको दिखाऊं, यहां देखिए सीएल माइनस एटॉमिक नंबर बाबू 17, एक माइनस है तो वन प्लस करेंगे, अगर दो माइनस होता तो दो प्लस करते, तीन माइनस होता तो तीन प्लस करते, लेकिन एक ही माइनस है तो एक एक प्लस करेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन होंगे 18, देखिए 18 18। तो ये सब ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, एक बार आप नोट करिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 के, एक बार नोट कर लेंगे 70 71 72, डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 73। देखिए 73 में जो आपको दिया गया है बाबू, 73 में जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पूछा गया है। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सिंपल वे में हम कैसे निकालते हैं, देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का बाबू जो ट्रेंड होता है वो सिंपल वे में हम कैसे देखते हैं, कॉन्फिगरेशन दिया गया है। ठीक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बाबू, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 73 की डिस्कशन हो रही है यहाँ पर, 73 में आयोनाइजेशन एनर्जी आपसे पूछा गया। ठीक, देखिए दो की मैक्सिमम आती है, एक फुली फिल्ड की और दूसरा जो आती है बाबू एक हाफ फील्ड की, फुली फील्ड और हाफ फील्ड, क्योंकि फुली फील्ड है तो जब चीज को दोनों क्या होते हैं, स्टेबल फॉर्म है। कैसे फॉर्म है बाबू, स्टेबल, जब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा तो एनर्जी क्या लग जाएगी, ज्यादा लग जाएगी, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक, उसके अलावा जो आयोनाइजेशन एनर्जी, एक तो ये फैक्टर पे फुली फील्ड की सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल फुली फील्ड है, देन हाफ फील्ड है, ये दोनों स्टेबल माने गए हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इन दोनों में से अगर आपसे प्रायोरिटी देनी होगी तो किसको देंगे, फुली फील्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, फिर हाफ फील्ड को स्टेबिलिटी के मामले में। ठीक, तो दोनों की ही ज्यादा होती है, लेकिन इन दोनों में भी कंपेरिजन आ जाए तो फुली फील्ड की ज्यादा होगी, देन हाफ फील्ड की होगी, और जो इनके अलावा होते हैं वो क्या हो जाएंगे, पार्शियली फील्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि स्टेबल नहीं होते, वो इजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, हम इजिली इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल सकते हैं, वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरा जो बाबू फैक्टर यहाँ इंपोर्टेंट करता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, पेंट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है, या शील्डिंग इफेक्ट की जो ऑर्डर पेंट्रेटिंग पावर की, वो जो ऑर्डर होती है बाबू SPDF, ये दूसरा फैक्टर है, सबसे पास ये है, तो सबसे पास एस ऑर्बिटल है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, जब डिफिकल्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ये दूसरा फैक्टर है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में ये क्या है बाबू, नियॉन कॉमन है 3s2 और 3p3, 3s2 3p3 दिया गया है, ये कैसा कॉन्फिगरेशन है, हाफ फील्ड है, तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी इसकी, 3s2 और 3p3 हाफ फील्ड है ये। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पर देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है बाबू 3d10, ध्यान से देखेंगे 4s2 और 4p3, आप बोलेंगे मुझसे सर ये भी तो हाफ फील्ड है, ये भी तो हाफ फील्ड है, पी यहां भी तो हाफ फील्ड है। अब देखिए यही बात आती है, दूसरा आप यहां ये भी हाफ फील्ड है, ठीक है हाफ फील्ड है, इसके बाद फुली फील्ड है, ये भी फुली फील्ड है, एक तो दो फैक्टर है यहां से देखिए, एक पेंट्रेटिंग पावर ज्यादा किसके होते, एस के, एस है, यहां क्या है डी है, और यहां हमारा एस, इस कॉन्फिगरेशन में एस है, आपको एस क्या है ज्यादा क्लोज रहेगा, एसपी यहां भी है लेकिन यहां डी आ गया, और डी क्या रहेगा, दूर रहेगा, किससे दूर रहेगा, न्यूक्लियस से क्या रहेगा, दूर रहेगा, तो दूर रहेगा तो अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। एक तो ये फैक्टर हो गया,
दूसरा फैक्टर आप ये पेंट्रेटिंग पावर से कर सकते हैं, या फिर दूसरा फैक्टर है, देखिए यहां पर बाबू एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू यहां पर जो 3P3 कॉन्फ़िगरेशन है, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, एन की वैल्यू 3, और यहां एन की वैल्यू क्या है, 4 है। साइज ज्यादा किसकी है, साइज इसकी ज्यादा है, साइज इसके दोनों आप फील्ड है, लेकिन इन दोनों में एन यहां कितना है, 4, और एन यहां कितना है, 3, तो साइज ज्यादा किसकी है, एन इक्वल टू 4 की साइज ज्यादा है, और साइज ज्यादा है तो आपका एक और कंक्लूजन है, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है तो क्या आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा फर्स्ट हाफ फील्ड है, देखिए दोनों हाफ फील्ड है लेकिन एन की वैल्यू यहां कम है इसलिए ज्यादा हो गया, और एन की वैल्यू ज्यादा है यहां तो साइज ज्यादा हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम हो गई। और दूसरा रीजन मैंने क्या दिया, पेंट्रेटिंग पावर से SPDF, यहां डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर गया यानी दूर है ये, तो अट्रैक्शन कम है, तो अट्रैक्शन कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 में जस्ट इसी के जैसा कंसेप्ट है, 74 नोट करिए एक बार आप, 74 देखिए, 74 क्वेश्चन में वो सिंपल सा आपको एक कंसेप्ट ध्यान ये देना है कि क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया। एक बात और बता दो आपसे, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन में जैसे पूछा गया हो आयोनाइजेशन एनर्जी टू पूछा गया, आप क्या करिएगा, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जैसे सोडियम का मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या जाती है बाबू, 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक, नॉर्मल किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, सोडियम की। अब ध्यान से सुनिएगा ये बात, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन आपसे अगर आयनाइजेशन एनर्जी 2 पूछी जाए, ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 2 पूछा गया है तो हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेंगे, यानी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है उससे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बाहर होगा, ऐसा नहीं है, दो आयनाइजेशन एनर्जी 2 पूछा है तो आप कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दीजिएगा, दो नहीं बाहर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, एक। अब एक बाहर कर दिए बाबू, तो यहीं से कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, 1s2 2s2 और 2p6, एक ये हमारा, जैसे ही आयनाइजेशन एनर्जी 2 पूछा जाए आपसे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर इस कॉन्फ़िगरेशन पर आप चेक करेंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 चेक करेंगे आप इस कॉन्फ़िगरेशन पर, जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर आप दिखाएंगे, ये बना। अब देखिए ये हमारा कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फुली फील्ड, जब ये फुली फील्ड हो गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, सो आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज इनकरेक्ट है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी, सोडियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, किससे, एल्यूमिनियम से। 75 अगेन इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी है बाबू नोट करिए, 75 नंबर में जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी का क्वेश्चन है बाबू, वहां सिंपल कैसे आपको बनाना है कि 75 में आप क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी पूछा गया है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी में क्या होता है, देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ऑर्डर बनाया गया है ये, तो इसके लिए क्या होता है बाबू, 75 डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी, कुछ भी नहीं बोला गया था कौन सी है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट पूछा गया है, तो ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए, सेकंड ए के लिए और नोबल गैस के लिए,
नोबल गैस के लिए। क्या आती है इन तीन के लिए? नाइट्रोजन के लिए, सेकेंड ए के लिए, नोबल गैस के लिए। इन तीनों के लिए वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव आ गई। यानी अगर आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का क्वेश्चन आए और ये तीनों दिख जाए, तो इसका मतलब ये कि सबसे कम जो होगा नोबल गैस का होगा। इन तीनों की कम होगी, लेकिन इन तीनों में भी सबसे कम किसका हो जाएगा? नोबल गैस, फिर सेकेंड ए, सेकेंड ए में सभी, और इसके बाद बाबू नाइट्रोजन, और इसके बाद जो रहेंगे वो कंटिन्यू रहेंगे। यानी इन तीनों की काफी कम रहेगी, और इन तीनों में भी नाइट्रोजन, नोबल गैस कम, सेकेंड ए, फिर नाइट्रोजन, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है डेल्टा एच ईजी की वैल्यू, क्योंकि एनर्जी हमें खुद देनी पड़ती है, रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन, सेकेंड ए में सभी, अल्कलाइन अर्थ मेटल और नोबल गैस, इनकी क्या होती है? डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर ये तीनों कभी क्वेश्चन में रहे तो ये सबसे पीछे हो जाते हैं, और सबसे पीछे में नोबल गैस, फिर ये सेकेंड ए, नाइट्रोजन, और फिर इसके बाद जो भी रहेगा इनके बाद होगा। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर टू दिया गया है आपको, दिखा जो ऑप्शन नंबर टू में कॉन्फिगरेशन दिया गया है, 1s2, 1s2, 2s2 और 2p3, ये किसका है बाबू? ये नाइट्रोजन का दिख गया मुझे, यानी इसमें नोबल गैस नहीं है और नाइट्रोजन और सेकेंड ए नहीं है, यानी नाइट्रोजन है जब, और 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। ठीक है, तो यहां पर बाबू नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की सबसे कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी पॉजिटिव, नाइट्रोजन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। बाकी नहीं, इसमें नोबल गैस है और ना सेकेंड ए है। तो ऑप्शन नंबर से हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो टू होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है। और एक कंसेप्ट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन फैमिली का ऑर्डर आता है डेल्टा एच ई जी के, एक थोड़ा सा चेंज आता है। क्या चेंज आता है बाबू? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है। तो यहाँ रीजन हम क्या देते हैं? अक्रॉस द ग्रुप बाबू रीजन क्या दी जाती है? ग्रुप में, ग्रुप में अगर हम वेरिएशन देखते हैं तो जनरली क्या होना चाहिए? साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ एक ट्रेंड में वेरिएशन है। 3p की ज्यादा हो जाती है किससे बाबू? 2p से। ये डेटा याद रखिएगा, 3p की ज्यादा हो जाती है 2p से। रीजन क्या दिया जाता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल। 3p के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो इनकी 3p की डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो ये ऑर्डर क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हेलोजन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। सो अकॉर्डिंग टू आंसर हमारा कौन जाएगा? सबसे ज्यादा फर्स्ट, उस सबसे लास्ट में टू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट और टू, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। अगेन क्वेश्चन नंबर 76, देखिए 76 जो क्वेश्चन पूछे गए बाबू, ये मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस पर डिपेंड करता है? लैटिस एनर्जी पर। ठीक, तो ये जरा नोट करेंगे, 76 हम डिस्कस कर रहे हैं। 76 में मेल्टिंग पॉइंट तो हम किससे डिस्कस कर लेंगे? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ RBR कितना दिया? 682, और हाई कितना दिया? NaF का। तो ये फैक्टर जो 76 क्वेश्चन है किस पर डिपेंड करेगा बाबू? लैटिस एनर्जी पर, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी का जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर। ठीक है, चार्ज और साइज पर। लैटिस एनर्जी किस पर? अगर आप मैं डेटा दें तो क्यू प्लस बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बाबू? बढ़ जाएगी, लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगा, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यू माइनस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और साइज के क्या है? लैटिस एनर्जी जो साइज के है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन RC प्लस रेडियस ऑफ कटायन अगर बढ़ेगा, ये क्यू माइनस भी इंक्रीजेज, नेगेटिव चार्ज है, मतलब क्यू प्लस बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, रेडियस ऑफ कटायन बढ़ेगा
तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा और रेडियस ऑफ एनायन बढ़ेगा, तब पर भी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, लैटिस एनर्जी घट जाएगा। सो हमें कंपेयर किसमें करनी है बाबू, क्वेश्चन में हमारा क्या है, NAF है, NAF और क्या दिया गया है, NAF और RBR, RBR और द लैटिस एनर्जी ऑफ NAF इज लेस देन द लैटिस एनर्जी ऑफ, देख NAF है हमारा कंपेरिजन बाबू, देखेंगे NAF है और RBR है, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी पर। तो RBR की क्या है, मेल्टिंग पॉइंट कम है, 682 है, तो RBR में क्या दिया गया है, द लैटिस एनर्जी ऑफ RBR इज लेस देन द लैटिस एनर्जी ऑफ NAF, ठीक है। तो देखिए यहां बाबू चार्ज -1, यहां +1, यहां चार्ज -1, यहां पर बाबू +1, ठीक है। अब देखिए चार्ज फैक्टर पे देखें तो +V1 है, -V1 है, +V1 है, -V1 है। अब हम किससे एक बार कंपेरिजन करें, साइज से कंपेयर करें। देखिए साइज की बात करेंगे बाबू, यहां देखिएगा इस क्वेश्चन में साइज की बात होगी, तो अगर हम लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, लिथियम के बाद आता है सोडियम और सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, और देखिए सोडियम के साथ जुड़ा हुआ कौन है, फ्लोरीन, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम तब रुबिडियम, और यहां फ्लोरीन यहीं पर आ गया, तो नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं समझेंगे आप, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब देन आयोडीन। देखिए नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, यहां भी नीचे आ रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, चार्ज का फैक्टर सेम है क्योंकि -1 यहां भी है, +1 यहां भी है, -1 यहां भी है, +1 यहां भी है, चार्ज का फैक्टर कम है तो साइज के फैक्टर से। अब देखिए ब्रोमीन है, अब देखिए बाबू ये सोडियम है, माना सोडियम है, सबसे ज्यादा साइज यहां सोचेंगे आप आरबी की है, आरबी की है, नीचे है ना तो सबसे ज्यादा साइज, अब ब्रोमीन भी नीचे है तो सबसे ज्यादा साइज, तो साइज ज्यादा तो यानी लैटिस एनर्जी क्या, साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या कम, लैटिस एनर्जी कम तो मेल्टिंग पॉइंट कम, सो आंसर नंबर 4 ये हो गया 76। क्वेश्चन नंबर 77, पोलराइजेशन इज डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एनायन बाय द कैटायन, करेक्ट ऑप्शन। देखिए पोलराइजेशन जो फैक्टर होता है बाबू, 77 का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, देखिए ये जो फैक्टर होता है क्या देगा, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज, देखिए क्या होता है 77 क्वेश्चन नंबर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन का जो फैक्टर होता है नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मे बी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पोलराइजेशन का फैक्टर उतना ही रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज, और साइज पर भी डिपेंड करता है, तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एनायन के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आप बोल सकते हैं, यहां लिख दे रहा हूं इसको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, ये हमारा पोलराइजेशन वाला फैक्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नंबर ऑफ चार्ज, मे बी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन होगा, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू, साइज ऑफ कैटायन, तो तीन फैक्टर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे, मैक्सिमम पोलराइजेशन इज डन बाय कैटायन ऑफ हाई चार्ज, सही हो जाएगा। इसके बाद बाबू हम 79 में बात करते हैं, देखिए जो 79 क्वेश्चन है वो आसान सा है, 79 में हम क्या करेंगे पहले नोट कर लीजिए, देखिए में बाबू सिंपल सा आपको ये काम करना है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, बाकी आप MOT की थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, क्या फॉर्मूला होता है 1/2
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये ट्रिक क्या है बाबू, ऐसे निकालेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन सम का एक तरीका बताया था, आप इलेक्ट्रॉन सम से निकाल लेंगे। जैसे मैं बताऊं इलेक्ट्रॉन सम, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है, इलेक्ट्रॉन सम सम से ही निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन सम अगर बाबू क्या आ जाता है 10, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या आती है 1। इलेक्ट्रॉन सम 10 तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाता है 1। अगर 11 है इलेक्ट्रॉन सम तो बॉन्ड ऑर्डर बाबू 1.5। अगर इलेक्ट्रॉन सम 12 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर इलेक्ट्रॉन सम 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 0.5 बढ़ाना है। अगर इलेक्ट्रॉन सम 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। अब 14 के बाद 0.5 घटाना है। अगर इलेक्ट्रॉन सम 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर इलेक्ट्रॉन सम 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर 17 है तो 1.5। अगर 18 है तो 1। अगर 19 है तो बाबू 19 है इलेक्ट्रॉन सम तो कितना हो जाएगा बताइए बॉन्ड ऑर्डर 0.5। अगर 20 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन सम का रिजल्ट है जो बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, आप जल्दी से निकाल लेंगे। तो O2 कितना हो गया, O2 में बाबू इलेक्ट्रॉन 16 और 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आएगा 2। तो ये बी डी का क्या दिया गया 5, डेट इज 2 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बेरिलियम में भी निकाल लीजिएगा 10 हो जाएंगे, नाइट्रोजन में 14। और देखिए Li2 जो दिया गया है बाबू, Li2 ध्यान दीजिएगा Li2। अब इसके लिए जब मान लीजिए इसमें एक तो ये तरीका हो गया इलेक्ट्रॉन सम वाला और दूसरा क्या होगा Li2, तो Li2 वो नहीं दिया गया है, डाइलिथियम है। तो क्या लिथियम लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा सिंगल, लिथियम लिथियम के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बाबू सिंगल। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे होगा कि नहीं Li, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल कर आ गया, डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 आ जाएगा। तो लिथियम का इन्होंने क्या आंसर A का 3 1, ऐसे भी निकाल देंगे। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ये तरीका हो गया। ठीक है, लिथियम Li2O आप कॉन्फिगरेशन से भी निकाल सकते हैं, MOT कॉन्फिगरेशन से या सिंपल Li2O। Li2O है तो Li के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा सिंगल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो कैसा बॉन्ड बनाएगा सिंगल। और जब सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर को डिफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बाबू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड 1 हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। कॉन्फिगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80 में नोट करिए, नॉट आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है। ठीक है, देखिए 80 क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करेंगे बाबू, देखिए बाबू 80 में आपको नॉट आइसो स्ट्रक्चरल पूछा है। ठीक, एक बार मैं ऑप्शंस पर जाते हैं। देखिए एक यहां पर फॉर्मूला लगाया जाता है, आप लगाएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर आपको हाइब्रिड स्टेट निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन तो हाइब्रिडाइजेशन में बाबू हम एक रूल लगाते हैं पी क्यू बाई ए टू। कैसे लगाते हैं देखिए, ये फॉर्मूला से आपका सेफ वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए PF5 दिया गया, ऑप्शन से ही जाएंगे PF5। ठीक है, PF5 है तो PF5 पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, फास्फोरस की कितनी बाबू, फास्फोरस की कितनी 5 और हेलोजन की कितनी होती है 7, 7 × 5 कितना हो गया, ये कितना निकालेंगे 7 × 5 35 + 5 ये कितना निकल कर आ गया 40। और जो भी रिजल्ट आया
अगला स्टेप में हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे बाबू, अगला स्टेप जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 40 आया, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। जब 8 से डिवाइड कर देंगे बाबू तो इसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, तो 8 का क्लोजर मल्टीपल जो 40 के क्लोजर 5, जब आप इसको इसी तरह लिखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 8 into 5 40, ऊपर क्या बच गया 0, ये हमारा क्या है बाबू P और ये क्या है हमारा Q, ठीक है। अब P देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है इसमें, यहाँ जो P होता है बाबू टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, P टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, P क्या होता है सिग्मा बॉन्ड, और Q को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 लोन पेयर आ जाएगा। Q को जो जितना भी ये Q की वैल्यू आएगी, ये हमारा Q है, अगर हम Q को 2 से डिवाइड करते हैं तो उतना ही उस पर लोन पेयर हो जाएंगे। तो जरा देखिए P क्या है सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ सिग्मा कितने निकल कर आ गया बाबू 5, और लोन पेयर के लिए क्या करना है आपको, जो भी Q की वैल्यू आया उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो लोन पेयर इसमें कितना आ गया 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, यानी इसमें 5 सिग्मा और 0 लोन पेयर, ठीक है। तो हाइब्रिड स्टेट क्या आ जाएगा 5 प्लस 0, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यहीं पर तो क्या लिख दो हाइब्रिड पी क्यू वाई एट बता ही दिया आपको, और एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर पी कितना सिग्मा 5, और प्लस लोन पेयर कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 6, 6 के लिए क्या लिखेंगे बाबू एस पी 3 डी 2, हमें 6 लाना है तो एक एस ऑर्बिटल पी 3 और डी के 2 तो 6 हो जाएंगे। अब बी आर एफ 5 में चेक कर लेते हैं, देखिये बी आर एफ 5 ध्यान दीजिएगा, अब यहां देखिए बाबू, यहां मैं आप डायरेक्ट कर देता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ब्रोमीन और ये हेलोजन, तो ये ब्रोमीन के भी साथ होती है किसी भी हेलोजन के साथ, तो 7 हो गया प्लस 35 42 हो गए, तो ये कितना जाएंगे 42/8, ध्यान दीजिएगा 8 के इसको PQ/8 के फॉर्म में लिखना है, 8 का क्लोजर मल्टीपल जो 42 के क्लोजर 5 हो जाएगा, बच कितना जाएगा 2 और यहाँ 8, तो हाइब्रिड स्टेट कितना हो जाएगा बाबू, देखिए यहाँ सिग्मा कितने हो गए 5 सिग्मा, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, जो क्यू की वैल्यू आएगी, जो क्यू की वैल्यू आएगी उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, कंपलसरी 2 से डिवाइड करना है, तो क्या मिल जाएगा लोन पेयर, इसको अगर 2 से डिवाइड कर दिए तो लोन पेयर मिल जाएगा, 2/2 = 1 कितना आ गया बाबू, ए भी 6 आया लेकिन दोनों में अंतर हो गया, आइसो स्ट्रक्चरल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर बाबू 5 हाइब्रिडाइजेशन हमने लिखा है, तो 5 + 1 यहाँ लोन पेयर कितने आ गए लोन पेयर 1, और यहाँ लोन पेयर कितने आ गए बताइए, यहाँ लोन पेयर कितने आए थे 0, यहाँ लोन पेयर 1, तो दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे क्योंकि लोन पेयर का डिफरेंस आ गया, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा sp3d2 ही होगा, लेकिन ये आइसो स्ट्रक्चरल नहीं होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन दोनों की शेप में क्या हो जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ लोन पेयर आ गया और यहाँ लोन पेयर नहीं था, समझ गए। तो लिखेंगे इसको, नोट कर लीजिए, और आपने पढ़ा भी है जब sp3d2 में 3 1 4 2 6 5 1 6, नोट करिए, ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, दोनों के केस में क्या हो गया 6 आया, कैसे काउंट किए वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर 35 और कितना हो गया 42, 8 से डिवाइड कर दिए क्लोजर मल्टीपल 45 और ये 2, ये कितना हो गया बाबू, ये कितना हो गया 5 और ये 2 हो गया, तो लोन पेयर निकाले 5 क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 1 2 को 2 से डिवाइड कर दिए तो लोन पेयर मिल जाएगा, तो 5 + 1 = 6 के लिए sp3 3 1 4 हो गया और d2 हो गया, लोन पेयर का वेरिएशन हो गया, इसलिए आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। क्वेश्चन नंबर बाबू 81, देखिए जो 81 क्वेश्चन है क्या पूछा गया है नोट करिए, 81 जो क्वेश्चन है बाबू देखिए जो 81 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अदर
हाइड्रा एसिड्स ऑफ हैलोजन। अच्छी बात है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले फैक्टर पर भी डोमिनेट करता है, तो HF में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, HF इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी ज्यादा, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ये सही बात है। H2O हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। देखिए बाबू, H2O की जो बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशन है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ डिपेंड करता है लेकिन थोड़ा सा ट्रेंड में वेरिएशन है, मैं लिख देना चाहूंगा याद रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शन ऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा। H2O का ज्यादा होता, फिर सबसे नीचे वाले का, अगर मैं पोलोनियम को ना लू तो सबसे नीचे कौन है बाबू, पोलोनियम रहता तो पोलोनियम आता, इसके बाद सल्फर नहीं आता, सबसे नीचे वाला आता डाउन द ग्रुप वाले, तो मैंने सेलेनियम से स्टार्ट किया ये, फिर बाबू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलिनियम, सबसे नीचे कौन है पोलिनियम, तो ये रहता तो यहाँ H2O के बाद ये आता, हमने सेलेनियम से स्टार्ट किया था, मैंने बोला ऑक्सीजन होता है लेकिन सल्फर सबसे लास्ट में जाता है, उसके बाद सबसे नीचे वाले आते हैं, तो मैंने सेलेनियम यहां से सीरीज स्टार्ट किया है बाबू, यहां से टेलिनियम से, तो यहां आ जाएगा कौन सा बाबू, टेलिनियम, फिर यहां क्या आ जाएगा H2, कौन सा आ जाएगा टेलिनियम के बाद सेलेनियम, और फिर कौन सा आ जाएगा H2S, यानी ये एक्सेप्शन ऑर्डर है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट H2O ज्यादा आता है, फिर सल्फर सबसे लास्ट में चला जाता है, H2O सबसे ज्यादा और सल्फर सबसे लास्ट में, ठीक है, और बीच में, और बीच में कौन होंगे जो सबसे नीचे हैं, अगर पोलिनियम को आपको लाना होगा तो H2O के बाद क्या आ जाएगा पोलिनियम, फिर टेलिनियम, फिर सेलिनियम, फिर H2S, तो ये ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का हो गया, तो ये भी सही बात दिया गया है। और यहां ऑर्डर नाइट्रोजन फैमिली का भी ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑर्डर है बाबू, वहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है, लिख दे रहा हूं मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, याद रखिएगा। ये PH3, ASH3, फिर NH3, फिर SBS3 और फिर BIS3, ये ऑर्डर होता है। इन दोनों ट्रेंड को आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही एक्सप्लेन किया जाता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 82, जो 82 क्वेश्चन है बाबू, फोटोकेमिकल स्मॉग, जो फोटोकेमिकल स्मॉग की रिएक्शन होती है मैक्सिमम ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन होती है, किसके साथ, ओजोन के साथ, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CXY और प्लस ओजोन का जब आप रिएक्शन कराएंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ UV, सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी सनलाइट के प्रेजेंस में बाबू, तो आपको वही अल्डिहाइड यही सब मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्डिहाइड्स मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे, एक्रोलिन मिलेगा, पैन मिलेगा, तो रिएक्शन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, देखिए जो ओजोन लेयर डिप्रेशन में जो मेन कॉज का रोल था, जो मेन क्रिएट प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था वो था Cl रेडिकल, कैसे बाबू, 84 में जो मेन प्रॉब्लम कॉज करने वाला था कौन था, Cl रेडिकल, क्योंकि आप बताइए CF2 Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाइट के प्रेजेंस में अगर ये टूटेगा तो क्या दे देगा, क्लोरीन रेडिकल, Cl बॉन्ड टूटेगा लाइट के प्रेजेंस में, क्यों टूटेगा, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल, और ये फ्री रेडिकल किसको ब्रेक कर देगा, आपके ओजोन को ब्रेक कर देगा और ये क्या बना लेगा, Cl, अब प्लस किस में टूट जाएगा, O2 में, ये आपका 84 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन नंबर था ये बाबू, 83 आंसर थर्ड हो जाएगा। 84 में जो दिया गया है, डज नॉट अकर वेन सीवेज इज डिस्चार्ज इन टू वाटर, ठीक है, जब सीवेज को वाटर में डिस्चार्ज करेंगे तो जो O2 होता है, ये हमारा 84 क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं यहां पर, 84 में बाबू ध्यान देंगे, 84 में
जो O2 की कंसंट्रेशन है एटॉमिक, ये इसको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, O2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा जब आप सीवेज को डिस्चार्ज करेंगे। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, इंक्रीज नहीं होगा। और लास्ट 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू अबाउट वेस्ट रिसाइकलिंग, क्लॉथ कैन बी मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट, ये फ्यूल दैट हैज ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन मतलब जिनकी इफिशियंसी काफी अच्छी हो, और टेक्नोलॉजी हैज नाउ बीन डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गार्बेज। ये देखिए वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए जो भी स्टेप है वो ये वेस्ट मैनेजमेंट में ये पार्ट आता है, तो वेस्ट रिसाइकलिंग के दौरान ये सभी सही बातें हैं। आप खुद से एक बार पढ़कर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट है। इसके बाद आते हैं सेक्शन बी पार्ट में। सेक्शन बी पार्ट में बाबू हम डिस्कशन करेंगे इनऑर्गेनिक का 92 से, ठीक है 92 क्वेश्चन नंबर एक बार नोट करेंगे आप 92। देखिए 92 जो है बाबू में तो कुछ दिक्कत नहीं है, एमओटी का कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, और आपको मालूम है 92 में डायग्राम मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी का जो डायग्राम होता है वो मालूम है। N2- अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे N2- का ही डायग्राम हो गया, क्यों हो गया क्योंकि दिखा देते N2- जो कॉन्फ़िगरेशन दिया गया आपको, जो दिया गया सबसे, तो बाबू जो दिया गया है उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के सिक्वेंस क्या होते, देखिये सबसे नीचे कह रहा था पाई 2px, कितने इलेक्ट्रॉन, और ये यहां कह रहा था बाबू पाई 2py। जब आप डायग्राम बनाएंगे N2- के तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, दो फिलअप होंगे। फिर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे जब तो क्या आ रहा था यहां पर बाबू सिग्मा 2pz रहता। तो यहां देखिए कि और यहां कितना फिलअप होगा बाबू, दो तो कितना हो गए, पहले से चार हो गए थे, चार के बाद जब हमने चालू किया 6 2 8 तो 10 2 12 2 14 जेड में, और जेड के बाद जो बचता है एक्स और वाई, तो ये जो ऊपर होते हैं बाबू पाई एक एक फिलअप हो जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग है 2px है और पाई एंटी बॉन्डिंग है, यहीं पर क्या रहता है 2py कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी की 2px है। तो यहां दो इलेक्ट्रॉन 15 चाहिए मुझे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 15, अभी तक का कितना हिसाब हुआ, देखिए पहले अगर कॉन्फिगरेशन आप देखेंगे जो KK लिखा गया है सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग 1s2 दोनों कैंसिल हो गए, चार इलेक्ट्रॉन का हिसाब बराबर हुआ हमारा, चार इलेक्ट्रॉन का हिसाब बराबर हो गया। फिर 2 6 जो दिया गया 2 8 दो मैंने यहां फिलअप किया 10 2 12 2 14 तो यहां कितना बचेगा 1, और इसके ऊपर क्या होता है बाबू सिग्मा 2pz, तो ये एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz हो जाएगा ऊपर में, ठीक है। तो ये जो इस तरह का डायग्राम आता है मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी के कॉन्सेप्ट से, ये किसका आता है N2- का, तो ये सही है हमारा। ऐसे भी आप ऑप्शन डायरेक्टली चेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल नहीं हुए, और N2- है, N2- है बाबू, तो पाई बॉन्ड वहां बनाएगा। सो ऑप्शन एक तरह से ये भी, इस तरह से भी आप टिक कर सकते हैं कि N2- में जो इलेक्ट्रॉन पाई में जा रहे हैं वो कैंसिल नहीं हुए, एज इट इज है N2- के हो जाएंगे, ठीक, कॉन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग या फिर नॉर्मल थिंकिंग के अकॉर्डिंग, थिंक करके भी सोच सकते हैं कि N2- से पाई बॉन्ड आएगा, जब पाई बॉन्ड आ जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन पी पाई ऑर्बिटल में होना ही चाहिए, तभी तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। अगला 93, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी जो क्वेश्चन है वो 93, इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरिन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी का कंसेप्ट क्या है, देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया नाइट्रोजन पॉजिटिव होता है डेल्टा HEG, नाइट्रोजन की क्या होती है बाबू पॉजिटिव, तो ये सबसे कम हो जाएगा उस सीरीज में, सबसे कम होगा
जब सीरीज लिखेंगे तो नाइट्रोजन सबसे कम, बाकी ट्रेंड एज इट इज जाएगा। तो क्या होगा, इधर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा। तो ऑर्डर क्या लिख दे, ऑर्डर भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। नियॉन सबसे पीछे, नियॉन के बाद बेरिलियम, और बेरिलियम के बाद क्या जाएगा आपका, वही नियॉन बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद सीरीज बोरोन आ जाएगी। वहां पर भी एक एक्सेप्शन है बोरोन और लिथियम में, क्योंकि जो अधिक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो चीज स्टेबल नहीं है, स्टेबल बनना चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अगर वो स्टेबल बनना चाहेंगे तो वो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। बस तीन का याद रखना है, मैं पहले भी बता दिया हूं, नाइट्रोजन सेकेंड है और नोबल गैस, इनकी पॉजिटिव होती है, ये सबसे लास्ट में आते हैं। तो ये बोरोन आ जाएगा, लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर बनेगी हमारे, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, बिल्कुल सही बात है, एंड ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये ऑर्डर सही है, डेल्टा एच ईजी का ऑर्डर यहाँ सही है जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑर्डर सही है। दूसरा, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि नाइट्रोजन क्या है, फुली फिल्ड है। जब फुली फिल्ड है तो क्या स्टेबल है, जब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। फिर अगला, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉलोज द ऑर्डर ऑफ, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर दिया गया है बाबू, कुछ इस तरह से दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर दिया गया। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था कॉन्फिगरेशन पर डिपेंड करता है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा होगी लेकिन फ्लोरीन से ओवरकम नहीं करेगा, जो भी ओवरकम होता है अपने कंजिक्यूटिव मेंबर से होता है। ऐसा नहीं नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा नियॉन रहेगा फिर फ्लोरीन, चेंज केवल नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो करेक्ट ऑर्डर होगी ये होगी बाबू। देखिए फ्लोरीन क्या इसमें दिया गया है ऑप्शन में आपका, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर NOF, गलत दिया गया है। NOF जो ऑप्शन है, NOF वो रीजन वाला जो दिया गया ऑप्शन वो गलत ऑप्शन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा सबसे ज्यादा फ्लोरीन होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन में गलत है। क्या दिया गया हमारे ऑप्शन में, NOF, जो कि ये क्या है, गलत ऑप्शन दिया गया है, यानी ये आयोनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट क्या है, इनकरेक्ट पार्ट है। ठीक है, तो 93 में रीजन वाला पार्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला FNO, क्योंकि जो भी ओवरकम करता है अपने कंजिक्यूटिव मेंबर से करता है, आसपास एडजेसेंट एटम के से ओवरकम करेगा, ऐसा नहीं कि कोई पहला है पांचवे से ओवरकम कर जाएगा। तो अगला 94, देखिए 94 भी क्वेश्चन अच्छा है, आप नोट करिए। देखिए 94 में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाकर कर देना है क्वेश्चन को। नाइन्टी फोर में बाबू क्या बोला गया, एक काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। 94 में हमको मालूम है कि साइज जो होता है बाबू, साइज फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज, यानी नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाबू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर मैं आपसे पूछूं साइज का ऑर्डर बताइए, आपको बताना है Be+2 और Al+3, तो आप आंसर क्या देंगे, यही जो क्वेश्चन में दिया गया Be+2 और Al+3। सुनिएगा, यहां पॉजिटिव ज्यादा है तो आप ये कर देंगे, लेकिन ये एक्चुअली में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां जो एक्सेप्शन बनाया गया है, ये जो एक्सेप्शन है वो चार्ज डेंसिटी के कंसेप्ट पर है बाबू, आपने पढ़ा भी है। तो ये देखिए साइज की जो एक्चुअल ऑर्डर आती है, ये यहां ये आती है Be+2 से Al+3 ज्यादा हो जाता है। यही बात बस यहां एक्सप्लेन करनी थी मुझे, क्यों, क्योंकि यहां चार्ज डेंसिटी जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, क्या होती है फॉर्मूला, चार्ज बाई
क्या होता है बाबू? रेडियस। यहां जो फाई की वैल्यू होती है इसके केस में बाबू 6.4 होती है, और इस केस में जो फाई की वैल्यू होती है वो 6 होती है। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ चार्ज रेडियस निकालना है तो चार्ज कितना रखेंगे? 2, तो ये कितना आ जाएगा? और यहां से निकालेंगे तो L प्लस 3 की रेडियस ज्यादा आ जाएगी। L प्लस 3 की ज्यादा हो जाती है B प्लस 2 से। रीजन याद रखना है चार्ज डेंसिटी यहाँ 6 होता है, यहाँ 6.4 होता है। तो रेडियस जब निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो L प्लस 3 की ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेडियस कौन हो जाएगा? जिसमें चार्ज कम हो तो K प्लस। चार्ज कम एक ही पॉजिटिव है, सबसे इधर है तो ज्यादा हो जाएगा। और B प्लस 2, और B प्लस 2 के लार्गेस्ट ज्यादा और स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा? इसीलिए B प्लस 2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम से क्या है? छोटा। किस कॉन्सेप्ट से बताया? चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। 6.4 और L प्लस 3 के केस में 6, ध्यान रखेंगे। 95 में देखिए क्या पूछा गया है। ऑर्गन हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? नहीं, नोबल गैस की सबसे ज्यादा होती है। वो भी नोबल गैस में बाबू, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर 95 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? और नोबल गैस में सबसे ऊपर कौन है? हीलियम, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या पूछा गया है? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज भी होता है, ठीक है। नोबल गैस फुली फिल्ड वाले हैं तो ये तो ज्यादा होंगे, और इसमें भी कौन ज्यादा होगा? तो जो सबसे ऊपर होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और ये बाकी स्टेटमेंट इनके सही है, रॉन्ग वाला में 3 है, क्योंकि किसकी ज्यादा होगी बाबू? हीलियम की। 96 भी बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा गया है? एफ ऑर्बिटल है तो लेंथेनॉइड हो जाएगा, मैंने बताया था 96 में आपको, यहाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 96 क्वेश्चन जो है, कौन सा ऑर्बिटल है बाबू? एफ, 4f में गया इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल हो गया, लेंथेनॉइड का पार्ट है, 4f सीरीज है तो लेंथेनॉइड का पार्ट है। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एकोमोडेटेड ऑन 4f ऑर्बिटल। हाँ, कैसे देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन? जहां n प्लस एल रूल की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे बाबू? जहां n प्लस एल रूल की वैल्यू n प्लस एल मैक्सिमम होगा वहीं पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, n प्लस एल। n कितना हो गया? 4। और f के लिए, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो 4 प्लस 3 n प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस साथ आ रहा है? तो n प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। और ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी, और डेंसिटी की बात किया बाबू तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाता है? मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? मास के। तो जिसकी मास ज्यादा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो ऑस्मियम वाला भी बात सही है। नाउ 97 क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए 97 बाबू। 97 में बस ये छोटी सी बात आपको, वही जो ट्रिक बताया गया तो उससे रॉन्ग बोला गया, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। VRF5, ठीक है बाबू, तो VRF5 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। 90 ये हमारा 7 क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे देखिए। VRF5 जल्दी से बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हैं बाबू? ये 7 प्लस 7 इंटू सभी हेलोजन के साथ होते हैं तो 7 इंटू 35 कितना हो गया? ये 40। 40 को किससे डिवाइड कर दें? 8 से। किस फॉर्म में लिखें? 8 का नहीं, 42 हो गया ये, 42, 35 प्लस 7, 42, 8 का क्लोजर मल्टीपल 5, कितना बचा बापू? 8, और बचा कितना? 2। और हाइब्रिडाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट बताया था यहीं पर आपको? हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये था, सिग्मा कितने? 5 हो जाएंगे, और जो क्यू की वैल्यू आएगी 1 से डिवाइड, लोन पेयर हो जाएगा, 6 हो गया। और 6 में जब एक लोन पेयर हो जाए तो 6 के लिए sp3d2, और एक जब लोन पेयर हो जाए तो सेफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं आता है, यहां पर सेफ जो आता है बाबू स्क्वायर बाई पिरामिडल आ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। यहाँ कैसे मालूम चला? लोन पेयर से सेफ मालूम चल गया हमें, ठीक है। तो यहां से हमें सिग्मा भी मालूम चल जाएगा, 5 है लोन पेयर, तो लोन पेयर से आप सेफ इस मेथड से इजीली निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए वही द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द देखिए वही बात आ गई स्क्वायर पिरामिडल देखिए ICL5 सेम क्वेश्चन है ये सेम I98 इसी ट्रिक से बनाएंगे ICL5 सेम देखिए ICL5 में बाबू क्या होगा सेम वही बात होगा क्या हो गया है कोई भी हैलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5 1 6 है तो 7 × 6 कितना हो गया बाबू 42 सेम वही बात आ गया सेम वही बात देखिए अगेन ये हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 5+1 मैंने बताया ना 6 आ गया और 6 के लिए sp3d2 और sp3d2 है हमें पता है एक लोन पेयर इस ट्रिक से तो कितना क्या आ जाएगा ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल अगेन सेम ICl4- के लिए देखिए ICl4- लिखना है बाबू जल्दी से ICl4- देखिएगा जितना माइनस है उतना प्लस करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और जितना प्लस है उतना माइनस करेंगे तो ये 4 1 5 कितना हो गया 35+1 चलिए लिख कर दिखा दे रहा हूं 35+1 कितना हो गया 36 किससे डिवाइड करेंगे 8 से 8 का क्लोजर मल्टीपल जो 36 की हो 4 कितना बचा बाबू 8 ऐसे लिख लेना 32 हो गया 5 ले नहीं सकते हैं 5 लेंगे तो 40 हो जाएगा 32 कितना बचा 4 तो हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर निकाले बाबू हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकाले ध्यान दीजिएगा अगर इनकी हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो कितना हो जाएगा ये 4 सिग्मा कितने आ गए 4 ये वैल्यू कितना है 4 है हमारा और इसको किससे डिवाइड करना है 2 से तो 4+2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 ये 2 हमारा क्या हो गया लोन पेयर हो गया तो ये कितना आ गया 6 आ गया और ये कितना आ जाएगा 6 में भी sp3d2 ही आएगा लेकिन यहां पर शेप अलग हो जाएगा शेप अलग हो जाएगा और शेप क्या कैसा आ जाएगा जब लोन पेयर 2 आ जाए तो क्या शेप हो जाएगा बाबू स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा क्या हो जाएगा ICl4- में स्क्वायर प्लेनर सही है स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगा देख लीजिए लोन पेयर यहां 2 है और यहां क्या था 1 था तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है क्योंकि दोनों में लोन पेयर की डिफरेंस है 99 सेम क्वेश्चन 99 में उसी तरह बनाएंगे आप सेम इसी मेथड से नोट करिए बाबू सेम यही कंसेप्ट लगा देना है आपको यही वाला ट्रिक फॉलो करके लगा देना है सेम वही बात देखिए डायरेक्ट कर देते हैं 99 क्वेश्चन क्या है 99 में देखिए इन द चेंज फ्रॉम PCl3 डाइब्रिटन रिमेन्स सेम एसर्शन इनकरेक्ट है रीजन करेक्ट हो जाएगा देखिए जल्दी से देखते हैं PCl3 कितना फास्फोरस 5 प्लस 1 क्लोरीन का 7 PCl5 का पहले मैं निकाल दे रहा हूं ठीक है 1 क्लोरीन का 5 तो 7 का कितना हो जाएगा 35 कितना हो गया बाबू 40 और 40 को 8 से डिवाइड कर देंगे 8 का क्लोजर मल्टीपल जो 40 को क्या हो गया 5 बचा क्या 0 क्या हो गया 8 तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा बाबू हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगा 5 हो गया तो 5 के लिए क्या चाहिए हमें बताइए 5 सिग्मा और लोन पर कितना 0 ये कितना हो जाएगा 5 और 5 के लिए क्या चाहिए बाबू sp3d और sp3d में जब 0 लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ठीक है और PCl3 का उसी तरह निकाल दीजिए PCl3 क्या हो जाएगा देखिए 21+5 26 8 से डिवाइड कर दीजिए और 8 का क्लोजर मल्टीपल जो 26 को 3 बचा क्या 2 8 और यहाँ 2 ठीक है और 3 तो हाइब्रिड स्टेट ये 3 क्या हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और प्लस क्यू को 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 तो लोन पेयर हो जाएगा 4 और 4 के लिए क्या आ जाएगा हाइब्रिड स्टेट sp3 जब 4 के लिए हाइब्रिड स्टेट sp3 आ गई तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बाबू sp3 पिरामिडल हो जाएगा जब sp3 में एक लोन पेयर हो तो कैसा शेप हो जाएगा पिरामिडल ठीक है तो यहां हमारा रीजन करेक्ट है लेकिन एसर्शन इनकरेक्ट है 100 में विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स विल नॉट अंडर ग्रीन केमिस्ट्री क्या जस्ट लाइक ए पोल्यूशन फ्री केमिस्ट्री ठीक है तो पोल्यूशन फ्री केमिस्ट्री में अलग अलग रूल्स हम लाए कि जो हमारे पुराने टेक्निक्स हैं अब उनको हमने ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ बहुत सारे उसमें हमने नए डिस्कवरी को लाया कि हमारा जैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री हो जाए
तो सोप मेड अप ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल इंस्टेड ऑफ साइंथेटिक डिटर्जेंट्स, ये बिल्कुल सही। H2O2 पहले यूज किया जाता था यूजिंग H2O2 फॉर ब्लीचिंग पाउडर इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लोरीन। पहले क्लोरीन हम यूज करते थे, उनको बैन कर दिया गया, H2O2 यूज करते हैं। यूजिंग बाइसाइकिल्स फॉर ट्रेवलिंग स्मॉल डिस्टेंस यूजिंग पेट्रोल, ये भी सही बात है। बाइसाइकिल्स को, क्योंकि पेट्रोल से जो हमारे पोल्यूशन क्रिएट होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। यूजिंग प्लास्टिक कैंस फॉर नीटली स्टोरिंग सब्सटेंस, नहीं यहाँ ये प्लास्टिक कैंस की बात नहीं की गई थी वहां पर। वहां जैसे ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, ब्लीचिंग ऑफ पेपर, ऐसे रिएक्शंस आप कराएं, रिएक्शंस में ऐसे आप ऐसे वे में रिएक्शंस कराएं जिनकी यील्ड अच्छी है, प्रोडक्ट जो भी बने उसका यील्ड अच्छा है, ये सब बातें बताई गई थी। प्लास्टिक कैंस ये सब ऐसे नहीं बताए गए थे, तो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर ये बातें नहीं आई थी प्लास्टिक वाली। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। तो ये आपका इनऑर्गेनिक का पेपर का डिस्कशन था, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट करेंगे और जो भी आपको सॉल्यूशन बनाए होंगे, जो भी मैंने स्टेप बताए हैं, उसको आप एक बार कॉपी पेन पर जो पेपर दिया गया उसको साथ में नोट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।